सो फाइनली दोस्तों सलार वर्सेस डंकी की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भाई साहब, सलार का ट्रेलर सिर्फ 5 दिन बचे हैं दोस्तों, और 5 दिन रेबल स्टार डार्लिंग प्रभास इज कमिंग। ओ भाई साहब 2000 करोड़ इज लोडिंग माई डियर फ्रेंड। और वही दोस्तों कहा जा रहा है कि सलार खा जाएगी डंकी को। भाई बहुत सारी अपडेट लेके आऊं, बहुत बड़ी बड़ी पोल खोलूंगा, लाइक कमेंट करने का, अपने भाई रवि चौधरी को प्यार देने का, और चैनल पे नया है तो पता नहीं क्या करना है, सब्सक्राइब सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब। दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वेल दोस्तों सलार फिल्म आ रही है, आपको पता है 22 दिसंबर को, और 21 दिसंबर को आ रही है डंकी। भाई आपको बता दूं कि सलार का जो बुक माई शो पे इंटरेस्ट हुआ है, जो लोगों ने पहली एडवांस बुकिंग करने के लिए तैयार बैठे हैं, लगभग 5,24,400। वही दोस्तों आपको बता दूं कि जो डंकी का अभी स्टेटस दिखा रहा है बुक माई शो पे 1,20,500, मतलब यहां पर क्या बोलते हैं डंकी पीछे चल रही है। और दोस्तों जो सलार है वो कम से कम 3 और 4 times आगे चल रही है। अभी आपको बता दूं कि सलार का यूएसए एंड यूके के अंदर एडवांस बुकिंग, जी हां दोस्तों उसके कलेक्शंस आए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ डंकी का भी। लेकिन डंकी और कंपेयर करूं सलार का, तो सलार का कहीं ना कहीं एडवांस बुकिंग बड़ा सॉलिड आ चुका है। आपको बता दूं कि सलार का ट्रेलर अभी लगभग 1 तारीख को आ जाएगा, 1 दिसंबर 2023 को शाम को 7:19 पे। और वही दोस्तों आपको बता दूं कि डंकी का ट्रेलर, उसका भी फाइनल कट लॉक हो गया है, ट्रेलर कट लॉक हो गया है। एंड वेल दोस्तों CBFC ने भी सर्टिफाइड कर दिया है, 2:41 का ट्रेलर आने वाला है। और आपको बता दूं कि दिसंबर के 2nd week में ट्रेलर आएगा। हम सबको पता है कि शाहरुख खान की जो फिल्मों का जो ट्रेलर होता है लगभग 1 हफ्ते पहले ही आता है, जो कि मुझे पता है। हालांकि दोस्तों डंकी के 6 ड्रॉप आने हैं, जिसमें से पहला ड्रॉप जो है 50 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। इसके साथ ही साथ डंकी का ड्रॉप 2 आया, ड्रॉप 2 में हमने एक नया गाना सुना, लुटपुट गया, और मैं तो लुटपुट गया। तो वेल दोस्तों काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला इस सॉन्ग का भी। और इसके अलावा डंकी के फिल्म जो है नेपाल के अंदर 8 और शहरों के अंदर फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए उनके जो फैंस ग्रुप है, फैंस क्लब है शाहरुख खान के, पूरी तैयारी में एकजुट हो चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं कि डंकी का जो एडवांस बुकिंग कलेक्शन है काफी ज्यादा मायूसीजनक वाला आया है। दोस्तों यार देखो, अभी सेम डे पे दोनों ही फिल्में क्लैश हो रही है, 1 दिन आगे पीछे, लेकिन यार देखो यार बराबरी तो होनी चाहिए, ज्यादा ज्यादा थोड़ा वो डिफरेंस आएगा। लेकिन यार बुक माई शो का बात करूं, IMDB का बात करूं, एडवांस बुकिंग का बात करूं, तो बहुत ज्यादा ह्यूज गैप देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ फैंस लोगों ने कहा था कि राजकुमार हिरानी की ये फिल्म 3 Idiots से 100 times बेटर होगी, लेकिन दोस्तों जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है वो काफी कम है। अभी क्या होगा, क्या ट्रेलर आने के बाद बुक माई शो पे एकदम जंप देखने को मिलेगा? तब तक तो काफी लेट हो जाएगा, क्योंकि सलार का ट्रेलर आते ही दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे ना भाई साहब फट जाएगा, बॉलीवुड फट जाएगा भाई, क्योंकि बुक माई शो पे हाइप तगड़ी हो जाएगी, ठीक है। और जिस हिसाब से अभी 1 महीने पहले ही लगभग भाई साहब 500 क्रॉस कर चुका है, ये तो 1 मिलियन क्रॉस कर जाएगा बुक माई शो पे इंटरेस्ट भाई साहब। तो आप सोच सकते हो कि इसकी कलेक्शन कितनी फाड़ू होने वाली है। लेकिन ये चिंता का विषय है डंकी के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कॉर्पोरेट बुकिंग जिंदाबाद है, तो टेंशन की क्या बात है, शाहरुख खान कॉर्पोरेट बुकिंग करेगा, और भाई साहब यहां पर क्या होगा कि भले थिएटर खाली क्यों ना हो, लोग सलार भले क्यों ना देखे, लेकिन डंकी भाई साहब डंकी कलेक्शंस में ले जाएगी, बाजी मार देगी। तो दोस्तों ऐसी बातें सुनने को मिल रही है कि कंपैरिजन का मोड खत्म हो चुका है। अब देखिए मैं रिपोर्ट जो लेकर आया भाई साहब, पहले बता दूं आपको कि सलार का यूएसए के अंदर, अभी ट्रेलर आया नहीं है, यूएसए के अंदर $2,20,000 का कलेक्शन हो चुका है, उससे भी ऊपर। साथ ही साथ लोकेशन 934 शोज एंड टिकट जो सोल्ड हुआ है यूएसए में 8,366। यूके के अंदर जो टिकट सोल्ड हुआ है more than 6,000 दोस्तों। एंड आपको बता दूं कि $54,000 कलेक्शंस कर चुकी है फिल्म। अगर टोटल यूएस एंड यूके की बात करूं तो भाई साहब $400 के, यानी कि $4,00,000 का कलेक्शंस करती हुई नजर आ रही है। 17,000 टिकट्स सोल्ड आउट हो चुके हैं, और टारगेट दोस्तों
ट्रेलर आने के बाद ये 500 जी हाँ दोस्तों 5 लाख डॉलर का कलेक्शन कर लेगी फिल्म में। मतलब 5 लाख डॉलर का, 5 लाख डॉलर का मतलब क्या हुआ दोस्तों, INR में अगर कन्वर्ट करूं तो कम से कम ये फिल्म 40 करोड़ का कलेक्शन अभी ओवरसीज से करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दूं कि ये जो फिल्म है 1 दिसंबर को ऑब्वियसली आ रही है, और 1 दिसंबर को सैम बहादुर और एनिमल फिल्म भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं भाई साहब उसके साथ ये ट्रेलर, क्या पता एनिमल फिल्म के साथ ही इसका इसका जो ट्रेलर है वो प्रिंट होकर है। कुल मिला के दोस्तों ओवरसीज में बाजी मारते नजर आ रही फिल्म, लेकिन डंकी का अभी तक कहा जा रहा है कि सिर्फ 4,300 टिकट सोल्ड हुए यूएसए के अंदर। हालांकि दोस्तों अभी ढंग से इसकी एडवांस बुकिंग शुरू नहीं हुई है, डंकी के अभी 4 और ड्रॉप आने हैं। ड्रॉप का मतलब टीजर नहीं है दोस्तों, जब भी कोई डंकी की नई अपडेट आएगी उसको नाम दिया गया है ड्रॉप। पहले टीजर आया लगभग छोटी सी झलक, उसके बाद सॉन्ग आया, अब ड्रॉप 3। जी हां दोस्तों, जो ड्रॉप 3 होगा वो जरूर कुछ ना कुछ नई अपडेट होगी, चाहे नया सॉन्ग हो, चाहे दोस्तों एक टीजर का ग्लिम्स हो, ठीक है, या कोई नया सॉन्ग आए, तो दोस्तों वो उसका नाम ड्रॉप दिया गया। लेकिन हमें फाइनल ट्रेलर का वेट, और कहा जा रहा है कि अगर डंकी का ट्रेलर जल्दी नहीं आया तो भाई साहब सलार इतने में जल्दी क्या बोलते हैं स्पीड अप ले लेगी यार, चाहे वो कलेक्शंस के मामले हो, चाहे वो दोस्तों प्री रिलीज क्या बोलते हैं प्री रिलीज प्रॉफिट के मामले हो, अपने सारे सैटेलाइट राइट सैटेलाइट सारा बेच के भाई साहब पहले ही लगभग 300 करोड़ इसके लागत रिकवर हो जाएंगे, और जो पैसा होगा वो सारा प्रॉफिट में होगा। सो वेल दोस्तों, एक तरफ एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि KGF चैप्टर का यूनिवर्स है, होमवाले का प्रोडक्शन हाउस, प्रशांत नील का डायरेक्शन है, और सलार डार्लिंग प्रभास साउथ के क्या ओवरसीज और भारत के जाने माने स्टार है। बाहुबली ने उनका करियर बदल के रख दिया है, और डार्लिंग प्रभास की राधे श्याम जैसी फिल्में, कुछ थोड़ी बहुत फिल्में आदि पुरुष, ये सब फिल्में फ्लॉप गई थी, लेकिन इन फ्लॉप फिल्मों ने भी उतना कारोबार कर लिया, हिस्टोरिकल ओपनिंग ली जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है दोस्तों। वही दोस्तों बात कर रहा हूं डंकी का, एक तरफ पठान है, जवान है, शाहरुख खान जिंदाबाद है, क्योंकि शाहरुख खान की डंकी फिल्म है जो कि कहा जा रहा है कि 1,000 करोड़ लोडिंग है, और लेकिन दोनों कंपेयर करूं आज का करंट स्टेटस के मामले में तो सलार टोटली डंकी को खाती हुई नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, सलार बाजी मारते हुए नजर आ रही है, चिंता का विषय है डंकी के लिए। दोस्तों क्या लगता है, क्या वाकई में डंकी का ट्रेलर आने के बाद उसकी बज बन जाएगी? क्या आपको लगता है कि एक तरफ डंकी इमोशनल मोटिवेशनल लाइक कॉमेडी एंटरटेनिंग फिल्म है, जो कि कुछ फैंस ने इसको ट्रोल भी किया कि जीरो वाली वाइब्स आ रही है, फैंस वाली वाइब्स आ रही है, डू यू एग्री? क्या लगता है दोस्तों, क्या सलार का ट्रेलर डंकी के ट्रेलर से फाड़ू होगा? क्या सलार फिल्म खा जाएगी डंकी को? क्या सलार का कलेक्शन ह्यूज रिकॉर्ड ह्यूज हिस्टोरिकल ओपनिंग लेगा, ह्यूज कलेक्शन होगा दोस्तों? एंड आप कौन सी फिल्म को देखोगे थिएटर में, सलार या डंकी या बोथ? कमेंट करके बताओ दोस्तों, और सलार फिल्म के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड वो भी बताओ दोस्तों। फुल सपोर्ट है सलार को, लाइक कमेंट करना, अपने भाई रवि चौधरी को प्यार देना, जय हिंद जय भारत, और चैनल पर नया सब्सक्राइब करना ना भूल दोस्तों। और इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूंगा दोस्तों कि डंकी फिल्म को भी फुल सपोर्ट है हमारा, जितने भी शाहरुख खान के फैंस हैं फुल सपोर्ट है भाई डंकी को भी। इंडियन फिल्म है दोस्तों, हमें नो बॉलीवुड वर्सेस नो टॉलीवुड, बॉलीवुड इज इक्वल टू इंडियन सिनेमा एंड इंडियन सिनेमा वर्सेस टू हॉलीवुड दोस्तों। हमें टक्कर देना हॉलीवुड को, हमें टक्कर देना है द एक्वामैन को, जो रिलीज हो रही है 21-22 सेम डेट पर ही लगभग, जो कि टक्कर दे रही है इंडियन सिनेमा को, ठीक है? तो नो वर्सेस दोस्तों सिर्फ सलार एंड दोस्तों डंकी।